पहली बात आती है कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, संभावित ऐसा व्यक्ति जो या तो कहीं विदेश प्रवास से लौटा है जहां कोरोना का प्रकोप है, या कोई हमारे NRI के साथ साथ कोई विदेशी व्यक्ति ही यहां पर है और वह आपके किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संपर्क में है, तो उससे तो अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। जब कभी भी आप फ्लाइट में हैं, कहीं बस में हैं, ट्रेन में हैं या कहीं सार्वजनिक स्थान पर हैं, तो ऐसी अवस्था में अपने हाथों को सैनिटाइज करना और अपने आप को उस अनजान व्यक्तियों से करीब 3 से 4 फीट की दूरी पर रखना, जहां इसकी अधिक संभावना है वहां आपको अपने मुख पर मास्क लगाना, ये सारी बातें तो आप सबने सुनी है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि सावधानी ही बचाव है। लेकिन इसके साथ साथ कोरोना से अब तक 5,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, करीब 70,000 से ज्यादा लोगों को जो बचाया जा चुका है, इन सबके जो निष्कर्ष निकले हैं उससे 4 बातें सामने आती है। एक तो जिनकी लो इम्यूनिटी है उनकी मौत का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। दूसरी बात, जिनको कफ, अस्थमा, दमा की प्रॉब्लम है, श्वास की प्रॉब्लम है, उनको मौत का ज्यादा खतरा है। तीसरे, हार्ट के पेशेंट, और चौथे वो लोग जिनको डायबिटीज है। तो मैं आप सबसे ये आह्वान करना चाहता हूं कि इन 4 चीजों के लिए, अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, अस्थमा को मिटाने के लिए, हृदय रोगी को और मजबूत बनाने के लिए, और डायबिटीज के रोगी की भी इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के डायबिटीज को प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित करने के लिए सबसे उत्तम कोई विधि है तो वह योग आयुर्वेद में है, प्राकृतिक जीवन पद्धति में है। सबसे पहले सैनिटाइजेशन के उपाय तो आपने बहुत सुने, हमने भी जो घरेलू सैनिटाइजेशन उसके बारे में काफी बताया और उसके ऊपर हमने अपनी इस पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में काफी रिसर्च भी किया है कि आप पानी के अंदर नीम के पत्ते, तुलसी उबाल करके 1 किलो पानी है, 1 लीटर पानी है, तो उसमें आप 100 ग्राम नीम के पत्ते, कुछ 10-20 तुलसी के पत्ते डाल करके उबाल लें, उसमें थोड़ा कपूर और थोड़ा फिटकरी डाल लेते हैं, तो ये आपका नेचुरल सैनिटाइजेशन तैयार हो जाता है। उसके लिए हमने काफी लोगों को सजेशन भी दिया है। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपना आतंक मचाया हुआ है और इस वायरस की वजह से दुनिया भर में लगभग 7,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज अपने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में आयुर्वेदिक और योग के उपचार बताए। उन्होंने एक ऐसा लेप बनाने का दावा किया है जिसको इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस निष्प्रभावी हो जाता है। इस लेप में तुलसी, नीम, ग्लोइ शामिल है। दुनिया भर में फैल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। लोगों की मौतें हो रही है, उसमें लो इम्यूनिटी के साथ साथ जो बड़ा कारण बन रहा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर। उसके लिए एलोपैथी में दवाइयां हैं, एलोपैथी की दवाइयां और साथ में आयुर्वेद की दवाइयों को भी लेकर के हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने एक ये रिसर्च पेपर, जो एक वर्ल्ड का एक फेमस रिसर्च जर्नल है, बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, इसके अंदर हमने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया कि जो है ये एलर्जी में और अस्थमा में एलोपैथी की जो मेडिसिन है उसकी तुलना में कितना असर होता है आयुर्वेद का। और उसमें हमारा ये जो श्वासारी हमने बनाया हुआ है, ये श्वासारी एक पाउडर है जिसमें अलग अलग आयुर्वेदिक औषधियां एलोपैथी की दवाइयों से ज्यादा प्रभावी है यह श्वासारी पाउडर। और इसलिए मैं कहूंगा कि जिनको भी ये किसी भी कारण से या तो अटैक होने की संभावना है या जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है और ऐसे एनवायरनमेंट के बीच में है वो लोग कि वहाँ वो इससे संक्रमित हो सकते हैं, तो आप यदि आपको सर्दी जुकाम कफ है तो ऐसे भी ले सकते हैं और कोरोना होने के बाद भी आप अपने आप को मौत को मात दे करके कोरोना को पराजित कर सकते हैं श्वासारी के जरिए। वही अल्मोड़ा जिले के विश्व प्रसिद्ध श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन के द्वारा लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से हो रही जनहानि के बचाव के लिए प्रार्थना की। पूरे भारतवर्ष सहित विश्व में हो रहे
कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए जागेश्वर धाम में आज एक महानुष्ठान का आयोजन किया गया। विश्व शांति रहे और ये कोरोना वायरस का समापन हो, यही कामनाओं के साथ यहाँ पर पुजारियों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रबंधन समिति के द्वारा यह अनुष्ठान किया गया। प्राचीन काल से ही जागेश्वर में कहीं भी विश्व में कोई विपत्ति आती है, यहाँ पर अनुष्ठान करके उसका प्रकोप को शांति किया जाता है, यह प्राचीन परंपरा चली आई है। हालांकि भारतीय कोरोना से बचाव के लिए सभी प्रकार के संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतनी है। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे, कुछ इस तरह की सावधानियां ही आपको कोरोना वायरस से बचा सकती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल और अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।